राहगीरों तथा बैंकों से रकम निकाल कर ले जाने वाले से टप्पेबाजी व लूट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 अभियुक्तों को कैंट पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार अभियुक्तों में बिहार प्रांत के गोपाल गंज जनपद निवासी प्रिंस सिंह उर्फ गोलू सिंह पुत्र, भुवनेश्वर सिंह निवासी वायरलेस मोड़ भोरे थाना भोरे, गोविंद पांडे उर्फ गोइया पुत्र अशोक पांडे उर्फ बबलू निवासी डुमरी शांति चौक थाना संघोल जनपद बेगूसराय तथा गोविंद पांडे उर्फ गोविंदा पुत्र राम विजय पांडे निवासी बैरिया मिडिल स्कूल के पास बैरिया चौराहा थाना अहियापुर जनपद मुजफ्फरपुर शामिल है। गिरफ्तार शातिर टप्पेबाजों के पास से पुलिस की टीम ने लूट का 51,250 रुपये, एक पर्स, 2 पासबुक, 2 मोबाइल, निर्वाचन पैन कार्ड व 3 आधार कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा व सीओ क्राइम प्रवीण सिंह ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों में लोगों को चकमा देकर उनके रुपये उड़ा देते थे। ये लोग खासकर उन लोगों को अपना शिकार बनाते थे जो अक्सर अकेले ट्रेनों में यात्रा करते थे या बैंक से रुपये निकाल कर जाते राहगीरों से टप्पेबाजी कर रुपये छीन लेते थे और फरार हो जाते थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा और सीओ क्राइम प्रवीण कुमार सिंह ने कहा, सामान मतलब होटलों में रुकते हैं, बस स्टैंड के इर्द गिर्द रुकते हैं जहाँ इनको बहुत ही सॉफ्ट टारगेट मिल जाते हैं, तो वो उतना शायद मतलब एक्टिव ना हो अपने मुकदमे की पैरवी में। तो इनका यही टारगेट रहता है कि जो भी ट्रैवल करने वाले ज्यादातर लोग हैं जो कि यहाँ पे आते हैं बैंकों की तरफ गए और फिर मतलब बैंकों से निकल के स्टेशन की तरफ, तो ये पूरा उसको भी ट्रैक करते हैं बैंक से निकलने के बाद। जो सॉफ्ट टारगेट हो गया, बूढ़ा आदमी हो गया, औरत हो गई, बच्चे हो गए, कम उम्र के लोग हो गए, अकेला व्यक्ति हो गया, ट्रैवल करने वाला व्यक्ति हो गया। लेकिन एक जो हम लोगों ने इन पे ऑब्जर्व किया है, ये हमेशा ये प्रयास करते हैं कि बैंक से निकल कर वो किसी अब तो पब्लिक साधन का इस्तेमाल कर रहा हो, जैसे कि टेम्पो का इस्तेमाल कर रहा हो, बस का इस्तेमाल कर रहा हो, वो इनके लिए इजी टारगेट होता है क्योंकि बस या टेम्पो में बैठ जाते हैं, वहाँ से या तो चोरी कर लेते हैं या तो ब्लेड मार देते हैं या वो जहाँ उतरता है उसके साथ छिनेती कर लेते हैं। इस प्रकार का इनका कार्य है। फेक आईडी नहीं लगाई, वहाँ इन्होंने अपनी आईडी लगाई, वहाँ पे इन्होंने मतलब जो भी आईडी लगाई अपनी आईडी लगाई, जो भी फोन इनके पास से बरामद हुए हैं जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो वो भी जो भी नंबर से इस्तेमाल हो सकता है इन्हीं के ऊपर आज ये जो पीसी है जो लूट करने वाले लोग हैं, ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, खास तौर से बिहार यूपी में इनका कार्यक्षेत्र है। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं जो राहगीरों से या भी ये बाजारों से बैंक में जा कर के रेकी करना, जानकारी करना, उसके बाद उनको उनका पीछा करना, इस तरह से ये 3 साथी बदमाश पकड़े गए हैं। एक प्रिंस सिंह करके है, एक ये क्या नाम गोविंद पांडे और एक गोविंदा पांडे करके, ये 3 बिहार के रहने वाले हैं, एक बेगूसराय का है, एक मुजफ्फरनगर का है और एक गोपालगंज के हैं। यहाँ कहाँ पे रहते थे? गोरखपुर नहीं, बराबर ही आना जाना इनका लगा रहता है, ये बिहार से आते हैं, बिहार कोई खास दूर यहाँ से है नहीं, ये प्राय काफ़ी वर्षों से अपना धंधा कर रहे हैं, ये आए हैं फिर अपना 20-25 दिन गैप किए हैं फिर आए हैं फिर चले गए हैं, इसी तरह से इनका अभी तक कितने तक लूट किए होंगे, क्या बरामद? वर्तमान में जो बरामदगी हुई है 51,250 रुपये कैश की बरामदगी हुई है, निर्वाचन कार्ड बरामद हुआ है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 2 मोबाइल, यही बरामद हुआ है। इसके पहले भी कोई आपराधिक इतिहास है? हाँ, इनका अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है, 10 मुकदमों की जानकारी हुई और मुकदमों की जानकारी की जा रही है। यहीं पर ये कैंट क्षेत्र के 5-6 मुकदमों की जानकारी जो पहले जनवरी माह फरवरी माह में हुई है उन घटनाओं को लिंकअप हुआ है। गुलेरिया का मुकदमा भी लिंकअप हुआ है, गोपालगंज बिहार के भी मुकदमे लिंकअप हुए हैं, इस तरह से 10 की जानकारी हो गई और बाकी जानकारी की जा रही है। घटना हुई थी जो इन लोगों ने कबूल किया है, इसके साथ साथ उभाव बलिया बेलतरा रोड एक थाना है जिसे उभाव कहते हैं, वहाँ भी इन्होंने 2,60,000 की टप्पेबाजी की थी, वहाँ भी मुकदमा पंजीकृत है। और इसके अलावा ज़्यादातर घटनाएं इन्होंने बिहार में की हैं पिछले 2 महीने में,
अभी तक जांच और विवेचना के क्रम में जो भी चीज़ मतलब प्रकाश में आई है उसमें दो मुकदमे गोपालगंज में पंजीकृत हैं जो लिंक हुए हैं, और हम लोग अभी गोपालगंज, बेगूसराय, समस्तीपुर और आपके पटना, इन चार जिलों से डायरेक्ट लिंकअप में हैं। वहाँ से हम लोगों के जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान अब तो हायर अथॉरिटीज़ के लेवल पे भी हो रहा है, और काफ़ी, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है मतलब काफ़ी ज़्यादा घटनाएँ खुलेंगी और भी कुछ मतलब गैंग मेंबर्स आ सकते हैं प्रकाश में जो अभी भी विवेचना का विषय है। सर गुलरिया वाला क्या मामला? गुलरिया में एक मोबाइल फ़ोन भी गया था 2 लाख, उसमें अब तो 60,000 रुपये की टप्पेबाजी हुई थी, इनका 3 लाख का था। जो मॉडल्स ऑफ रेंडी इनका है वो कई तरह का है, जैसे कि अरे ब्लेड से कोई अगर ले जा रहा पैसा बैग में, ब्लेड मार के पैसा निकाल लेना, ढकेल के कोई गिर जा रहा है तो उससे निकाल लेना, कोई अपना बैग रखा है ऑटो में उसका बैग ही चोरी कर लेना, या तो फिर अंतिम में अगर इनको अगर मतलब कोई रास्ता समझ में नहीं आता तो फिर अभी टप्पेबाजी का सहारा लेते हैं। अमूमन इनके गैंग में ज़्यादातर लोग अभी तक जो प्रकाश में आए हैं वो अब तो ज़्यादातर लोग बिहार के ही हैं जो लिंकअप हुए हैं, इसमें से 3 आपके सामने गिरफ्तार हुए हैं, और मेन इनका जो एक अब तो शेल्टर होम कर सकते हैं वो है बेगूसराय में, जहाँ पे इनके ज़्यादातर लोग वहाँ पे रह रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग अब लगातार ही टच में हैं, क्या इनका मूवमेंट पैटर्न रहा है उसको भी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं घटनाओं के नवल के साथ।